तो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y21 मॉडल, और इसके अंदर लगा है FRP लॉक। तो पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये फ़ोन दिखाई देता है। ये है वीवो का Y21 मॉडल और इसके अंदर लगा है अभी FRP लॉक। तो कैसे इसका FRP हम बाईपास करेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको लॉक का सिंबल दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए फोन पे, ये लॉक का सिंबल से आप समझिए कि इसमें FRP लॉक लगा है। हम आपको पूरा वहाँ पर ले जाकर लॉक का सिंबल वगैरह नहीं दिखाएंगे, बस आपको डायरेक्ट FRP का दिखाएंगे कैसे FRP हम बाईपास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी फ़ोन के हॉट सपोर्ट से या फिर वाईफाई से आपको कनेक्ट कर लेना है, और फ़ोन में नेट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इसका FRP बाईपास कर पाओगे। और FRP बाईपास करने के लिए एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको पूरे स्टार्ट पे चले जाना है। और आप ध्यान से देखिए, आपका जो Y21 मॉडल है यहाँ पे हेलो स्क्रीन इस प्रकार का आपको दिखना चाहिए। अगर आप में Y21 का हेलो स्क्रीन किसी और डिजाइन में दिख रहा है तो आपका वो फ़ोन इस मेथड से हो सकता है वर्क ना हो। तो यहाँ पे आपका हेलो स्क्रीन इस प्रकार का दिखना चाहिए, नीला और बीच में हेलो स्क्रीन ऐसा लिखा हो, तो ये मेथड इसमें 110% वर्किंग होगा, आप लिख के रख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फ़ोन में वाईफाई पे आपको चले जाना है, इस पे जहाँ से आपने वाईफाई कनेक्ट किया था। तो वाईफाई पे हम जाएंगे और वहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को टाइप करना है और वहाँ पे उसको सर्च करना है, यानी कि वेब सर्च करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपको बैक करना पड़ेगा, तब जाके आपका वाईफाई आ गया। ये देखिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे नीचे पे एक बार और ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेना है, जो भी आपको कुछ भी टाइप करके और उसको सेलेक्ट करना है आपको। तो जैसे मैं कुछ भी टाइप करके यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए वेब ब्राउजर आ गया, यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब आपका यहाँ पे वेब ब्राउजर वीवो का खुल जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है ओके, यहाँ पे भी फिर चेक मार्क ला के ओके कर लेना है। अब आपका यहाँ पे वीवो का ब्राउजर खुलेगा, यहाँ पे आपको गूगल सर्च करना है। गूगल अब जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका गूगल खुल जाएगा, उसके बाद गूगल के नीचे वाले सर्च बार में आपको फिर से सर्च करना है एड रोम। ये जो तरीका बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपको बीच में कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को फिर दोबारा देख सकते हैं आप शुरू से करके, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन वीडियो में जो चीज भी मतलब जो भी चीज़ बता रहा हूँ एकदम 100% वर्किंग है। अगर आपका काम करता है तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पर आपको देखिए सेटिंग खुल गया है अभी यहाँ पर एड रोम के बाद से। सेटिंग में आपको ओपन करके अब चले जाना है नीचे, और नीचे आपको यहाँ पर पहले मैं दिखाया था इस फ़ोन का मॉडल कौन सा है, यहाँ पर अबाउट फोन में जाके ये देखिए वीवो Y21, और यहाँ पर आपको देखिए एंड्रॉयड वर्जन 11 आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको अभी क्या करना है, चले जाना है बैक, और बैक में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है हार्ड रीसेट वाला फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमको एक बार इसको हार्ड रीसेट करना पड़ेगा, वो भी इसका सिर्फ सेटिंग को हार्ड रीसेट करना है, ऑल सेटिंग को एक बार रीच करना है। अब इसके बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा थोड़ी देर के लिए, आपको पूरा हार्ड रीसेट नहीं करना है, सेटिंग को केवल हार्ड रीसेट करना है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा हार्ड रीसेट कर देंगे तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा, आपको सिर्फ सेटिंग को मतलब रीच करना है। तो यहाँ पे हमने सेटिंग को रीच कर लिया, फ़ोन स्विच ऑफ होगा और थोड़ी देर बाद खुलेगा। तो जब तक ये फ़ोन खुल रहा है तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे और आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये बात आपको भी पता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बस आपको एक बार क्लिक कर देना है, और आपको हमेशा हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो डालूंगा इस प्रकार की तो आपको मिलती रहेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है वो खुल के फिर से दोबारा मतलब खुल रहा है, और इसके बाद से अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब आपका जो प्रोसेस है वो लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा प्रोसेस बाकी है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन अभी स्विच ऑफ होकर खुला है, अब थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जब भी हम फ़ोन को हार्ड रीसेट वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा फ़ोन को खुलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर इसको हम हार्ड रीसेट करते तो शायद ये और ज़्यादा समय लेता, लेकिन हमारा फ़ोन जो है वो अभी सिर्फ हमने सेटिंग को रीच किया है तो बहुत ही कम समय में ये फ़ोन खुल जाएगा। एक्चुअली हमने वीडियो को कहीं फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया है, तो इसलिए आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। बाकी आप लोगों को भी मतलब वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने में बहुत सारे जगहों पे वीडियो जब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो समय कम लगता है, लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया कहीं भी वीडियो को, क्योंकि हमें ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगने वाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा फ़ोन खुल चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे हम, क्योंकि हमको फिर से अब वाईफाई से कनेक्ट करके फिर से एड रोम में जाना है, और यहाँ पे हमें एक पासवर्ड सेट करना है फ़ोन का। सेटिंग को हमने इरीज कर दिया है, इससे होगा ये कि हमारे फ़ोन का सेटिंग इरीज हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो इसमें लॉक लगा है वह एक तरह से हट गया रहेगा और हम दूसरा अपना नया लॉक सेट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली लॉक हटने के बाद से डायरेक्टली सेटअप करोगे तो लॉक फिर से वापस आ जाएगा, तो इसलिए हमको फिर से वहाँ पे जाना है, अपने किसी भी फ़ोन के वाईफाई से कनेक्ट करना है, इसके बाद से वेब सर्च करना है, फिर उसी जगह पे जाना है। अभी आपको प्रोसेस दोबारा तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद डायरेक्टली आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे हमने देखिए वाईफाई से अपने कनेक्ट कर लिया फटाफट से, और यहाँ पे फिर से ऐड पे सेलेक्ट करेंगे, एक बार बैक चले जाएंगे, क्योंकि वैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होता है अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो आपको बैक कर लेना है, बैक करने के बाद से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे
कुछ भी सर्च करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे वेब सर्च का ऑप्शन आएगा, वेब सर्च पे क्लिक कर देना है। अभी आपका वीवो का वीवो ब्राउज़र खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको गूगल सर्च करना है, जैसा कि हमने पहले सर्च किया था। गूगल सर्च करने के बाद से आपको गूगल में जाके फिर से एड्रोम या फिर वी एन रोम, दोनों में से कोई सा भी सर्च करेंगे, दोनों सेम ही चीज़ लेके आएगा। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे हमने गूगल सर्च कर लिया, गूगल के बाद से अब यहाँ पे एड्रोम हम सर्च करेंगे। एड्रोम सर्च करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहले आया है 2023 FRP बाईपास, ये आपका मतलब इसी से आपका काम होगा। तो यहाँ पे FRP बाईपास पे हमने क्लिक कर दिया। FRP बाईपास पे क्लिक करने के बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आपको सेटिंग में नहीं जाना है, अब आपको जाना है यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रीन स्मार्ट लॉक पे, यहाँ पे ओके कर लेना है। और यहाँ पे आपको कोई सा भी एक लॉक सेट कर लेना है इसमें। तो मैं एक पैटर्न सेट कर लूँगा नीचे में एन, जो कि हमेशा मैं सेट करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करके फिर से मैंने सेट कर लिया। तो हमारा एक पासवर्ड सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बार लॉक करके देखना है पासवर्ड लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पे स्किप करेंगे और यहाँ पे फ़ोन को बंद करेंगे और फिर दोबारा खोलेंगे तो ये देखिए हमारा लॉक लग चुका है, यानी कि हमारा काम हो गया है। अब आपको बस पूरा स्टार्ट पे चले जाना है और अपना नॉर्मल सा सेटअप करना है। और जब आपका पासवर्ड मांगेगा तो आपको फिर से वही पासवर्ड दे देना है जो अभी आपने सेट किया है, तो आपका जो FRP है वो बाईपास हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमने इसका FRP बाईपास किया है। हालांकि हम वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी आपको हर चीज़ें बता रहे थे, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा तो बैक करके देखोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको जल्द से जल्द और फास्ट से फास्ट तरीका दिखा पाऊँ, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंदी बना के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। जो भी चीज़ें हैं फटाफट बता के और फटाफट वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब इतनी जल्दी बताने के बाद भी देख सकते हैं आप लोग लगभग 8 मिनट की हमारी वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समय लगता है। यहाँ पे देखिए FRP बाईपास हो चुका है और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया जब से हमने पासवर्ड डाला। तो यहाँ पे हम स्किप कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे अपना एन वाला पासवर्ड ही डाला था जो पहले हमने यहाँ पे सेट किया था। पहला पासवर्ड क्या था हमें नहीं पता था, तो इसलिए हमने उसको बाईपास कर लिया। तो यहाँ पे अब आपको स्किप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है और आपका फ़ोन का जो FRP है वो यहाँ पे बाईपास हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमेशा इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज नाउ स्टार्ट पे क्लिक कर दी और हमारा जो फ़ोन है वह स्टार्ट हो चुका है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।